अरे ये इसे बंद पड़े कम से कम 2 महीने हो, के बीच में हमने ठीक कराई थी, 3 दिन चालू हुई थी, उसके बाद ये दोबारा बंद हो गया। यार कोई अपनी मर्जी की है जी, कोई काम कर दे बढ़िया, ना करे तो बढ़िया। ये कब से बंद है? 15-20 दिन हो गए भाजी। 15-20 दिन हो गए। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम घंटाघर चौक यानी पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर मौजूद हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर एक जो बड़ी दीवार घड़ी लगाई हुई है, ये आसपास के क्षेत्रों को, आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, ग्राहकीर हैं, उनको ये संकेत देती थी पल पल का, यानी कि जो ही घंटा पूरा होता था, यहाँ पर घंटाघर पर आवाज घड़ी की काफी दूर दूर से सुनाई देती थी। अब पिछले लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई है, जबकि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं कह सकते हम इसको। ये समय समय पर कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब हो जाती है। हालात इस कदर बने हुए हैं कि इसकी हम ये कह सकते हैं दुर्गति बनी हुई है। ये काफी बड़ी दीवार घड़ी है, चारों तरफ है और देश के कई मुख्य चौराहों पर इस प्रकार का नजारा देखने को मिलता है। जो घंटाघर जिसको बोलते हैं, ये काफी पुराना घंटाघर चौक है, बावजूद इसके इस घड़ी की कोई सुध नहीं ले पा रहा है। नहीं तो कोई समाज सेवी संगठन आगे आ रहे है, नहीं शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है, जबकि ये एक संकेत जो सूचक है, ये काफी हम ये कह सकते हैं ये संकेत हर आदमी को अलर्ट करने वाला होता था, हर आदमी को सुकून भी महसूस होता था, ये पता चल जाता था अब 3 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है, लेकिन बावजूद इसके अभी ये बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। यहाँ के तो दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, राहगीरों से भी बातचीत करेंगे, आखिर ये कब से बंद पड़ी है जो घड़ी है, ये कभी ठीक हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है वो बिजली का, उससे बंद हो जाती है, फिर अपने कई कई दिन नहीं चलती, एक एक महीना हो जाता है। कोई सुध नहीं लेता, नहीं कोई नहीं। अपनी मर्जी है, कोई ले ले कोई नहीं ले। वैसे जब ठीक रहती है, ये ऑन होती है तो अच्छा लगता है, कम से कम राहगीरों को, दुकानदारों को सही लगता है। अब वैसे कोई कहता भाई इतना टाइम हो गया, देखने में वही है बिल्कुल। ये बड़े देश के कई चौराहों पर लगी मिलती है इस प्रकार की, उसी तरह पर भिवानी में भी है, लेकिन भिवानी में कोई सुध तो नहीं ले रहा। वैसे यार कोई अपनी मर्जी की है जी, कोई काम कर दे बढ़िया, ना करे तो बढ़िया। ये कब से बंद है? 15-20 दिन हो गए भाजी। 15-20 दिन हो गए। तो ये इसमें कोई ऐसा बड़ा फॉल्ट है क्या जो किसी को? कुछ भी फॉल्ट नहीं है भाजी, 2 मिनट का काम है, वो आते हैं जैसे कई बार वो गगल आता भी है मुरली स्पीड से, वो करवा के जाते हैं तुरंत हो जाती है 5-7 मिनट। ये अच्छी पहल थी, एक चौक चौराहे की सो बात ही है, और उसके बावजूद भी ये कभी 10 दिन ठीक रही, कभी 20 दिन ठीक रही, कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता इसका? करना चाहिए कम से कम, वो तो जिसको जिम्मेवारी देती है वो बताएगा, उस बात करना चाहिए, बिल्कुल बता करना चाहिए। कम से कम आप तो पड़ोसी हो, जो ही घंटा बजता है तो आपको लगता है 2 बज गए, 3 बज गए। सचिन प्रधान जी, ये घड़ी कभी ठीक हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी कहीं शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत मैंने बहुत करी, बवानी चेयरमैन ने पीछे ये ठीक बिखराई थी, फिर ये 3 दिन चली है और फिर बंद हो गई है। कोई परमानेंट इलाज करा लो ना इसका? परमानेंट इलाज इसका ये है जी, जो इसकी केबल है वो सारी नई दोबारा डालनी पड़ेगी, और जो इसकी कॉस्ट थी जो दिल्ली कंपनी लेगी, वो इसे बार बार फोन करने पर भी नहीं, फोन ही रिसीव नहीं कर रही। कोई कंपनी ठीक करती है? हाँ कंपनी ठीक करती है, वैसे इसमें वैसे घड़ी ठीक है, जो इसका लाइट का सिस्टम है वो बार बार थोड़ा सा पानी जाते है वो खराब हो जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तार जल जाती है। तो आप कोई संभावना है कोई सुध ली जाएगी? संभावना तो मैं अभी चेयरमैन साहब से अपील करूँगा, फोन करूँगा, फिर इसकी सुध ली जाएगी। ये कई संगठन भी इसका कई बार ध्यान देते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जो संगठन बना हुआ है वो कभी ध्यान नहीं देते। संगठन जब आते हैं, जब जन्मदिवस सब फोटो खिंचवाने और जब आते हैं, वैसे अदरवाइज कोई नहीं है, कभी नहीं है। हाँ इसे साफ सफाई कभी कराई का तो व्यापार मंडल हमारे अतुल प्रधान जी है, वही इसके साफ सफाई कभी कराएंगे तो कराएंगे। पहले ग्रीन सोसाइटी आती थी, जो भी शहर के मौजूद व्यक्ति हैं वो आते थे, अब फिलहाल कोई नहीं आ गया। अरे ये इसे बंद पड़े कम से कम 2 महीने हो, के बीच में हमने ठीक कराई थी, 3 दिन चालू हुई थी, उसके बाद ये दोबारा बंद हो गया। अब आप शिकायत दोबारा करो, एक बार हो सकता है सुध ली जाए।
अभी मैं 5 मिनट में चेयरमैन साहब से बात करके आया, मुझे आशा है चेयरमैन साहब इसे जल्दी शूट कराएंगे। बिल्कुल लाला जी, ये जो घड़ी है घंटाघर चौक की, हाँ। ये कब से बंद है? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन, हाँ। क्या फॉल्ट आता है इसमें? समय समय पर कभी ये ठीक हो जाती है, कभी बंद। तार तुर का फॉल्ट अंदर, कोई छोटा सा फॉल्ट है। और बावजूद इसके ये जो भिवानी की शोभा, चौक की शोभा होती है, और खास तौर पर जो ही घंटा बजता है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। कुल मिला के 2 घंटे बाद बजता है। अच्छी बात थी, खुशी की बात थी, सुकून भी मिलता था। बिल्कुल। लेकिन अब ये शांत पड़ी है। शांत पड़ी है। और न शासन ध्यान दे रहा है, न कोई संगठन ध्यान दे रहा है। बात छोटी सी है, बस यही कहना है। हाँ, यही है। ये ठीक होनी चाहिए। ठीक होनी, अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। 1 घंटे बाद